और अब बात कर लेते हैं देवभूमि की खबरों की। तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मालिक की जमानत पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें पहले 50 आरोपियों को हाईकोर्ट में जमानत मिल गई है, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दें कि 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें उपद्रवियों ने ना सिर्फ पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की बल्कि आगजनी के साथ बनफूलपुरा थाना फूंक दिया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को बनाया गया था, वहीं सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। तो इस पूरे मामले में कल हमने देखा कि जमानत बाकी लोगों को मिल गई थी, आज अब्दुल मलिक की जमानत पर सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि पुलिस की दलीलें सबूत किस तरह की हैं, क्या अब्दुल मलिक को जमानत मिल पाती है या फिर नहीं। 50 आरोपियों को हाईकोर्ट से अब तक जमानत मिल चुकी है, यानी कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस सही समय पर सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसकी वजह से बाकी लोगों को जमानत मिल गई है। अगर मलिक की बात की जाए तो इसके बगीचे के पास ही ये सारा, कहते हैं कि जो मास्टरमाइंड था यही मलिक था। अब देखना होगा कि आज मलिक को मिल पाती है कि नहीं जमानत। बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, कल हमने बनफूलपुरा मामले में देखा कि किस तरह से 50 लोगों को जमानत मिल गई, आज मलिक की जमानत पर सुनवाई होनी है। क्या पुलिस अब बाकियों की तरह यहां पर भी यहां सबूतों का अभाव दिखाई दे रहा है या फिर आज मास्टरमाइंड के तहत इसे जमानत नहीं मिलती दिखाई देगी? नीलू, देखिए जिस तरह से पुलिस ने, अगर बनफूलपुरा कांड को देखा जाए तो 8 फरवरी को एक कांड हुआ था और पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए करीब 200 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया था और तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा था और ये कहा था कि ये जितने भी लोग हैं ये दंगे में आरोपी हैं। लेकिन जब मामला आगे बढ़ता रहा तो 90 दिन हो गए थे और जो चार्जशीट दाखिल निचली अदालत में पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई, जिसका लाभ जो 50 आरोपी थे उनको मिला था। कि अब जो मास्टरमाइंड है इस पूरे केस का अब्दुल मलिक, उसकी जमानत याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और लगातार सरकार की ओर से कोर्ट को यह कहा जा रहा है कि अब्दुल मलिक के खिलाफ एनआई एक्ट यूपीए की धाराओं पर मुकदमा दर्ज है, तो एकल पीठ को इस पूरे मामले में सुनवाई का कोई भी अधिकार नहीं है। हालांकि जो वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हैं सलमान खुर्शीद, वो अब्दुल मलिक की ओर से पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को ये बताया अगर राज्य का मामला नहीं होता तो इस मामले की सुनवाई डबल बेंच करती, लेकिन ये एक राज्य का मामला है तो कहीं ना कहीं इस मामले में जांच भी स्थानीय पुलिस कर रही है, तो एनआईए एक्ट में एकल पीठ को सुनवाई का पूरा अधिकार है। हालांकि सरकारी अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में ये कहा गया कि ये पूरे केस का मास्टरमाइंड है तो इसको जमानत नहीं दी जा सकती है और इसके खिलाफ जांच चल रही है, तमाम सबूत इसके खिलाफ इकट्ठे किए गए हैं। लेकिन अगर पिछले दिनों की बात करी जाए तो जिस तरह से 50 आरोपी जो थे उनको हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और कोर्ट ने ये माना कि जो 50 दिन के बाद 90 दिनों के बाद निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल किया गया था उसके बाद का समय असंवैधानिक था, लिहाजा आर्टिकल 21 में सभी को जमानत का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं अब्दुल मलिक भी जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे हैं और उसकी नजरें भी उसी ऑर्डर पर हैं जो 50 आरोपियों पर लागू हुई थी। तो आज का दिन अहम है, देखना यह होगा कि अगर अब्दुल मलिक को इस पूरे मामले पर जमानत मिलती है तो कहीं ना कहीं हार सरकार की भी होगी और जो जिस पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की है उस पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि 8 फरवरी को जिस तरह से आगजनी की बड़ी घटनाएं हुई थी, थाने को फूंक दिया था, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, उसमें बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन सही समय पर चार्जशीट दाखिल ना करने की वजह से 50 लोग छूट गए हैं। आज मलिक को लेकर सुनवाई होनी है, उसकी जमानत को लेकर अब देखना होगा क्या उसे जमानत मिलती है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। चमोली से खबर लेते हैं, जहां पर जोशीमठ के पंगनो गांव पर एक बार फिर से बारिश मुसीबत बनकर टूटी है। भारी बारिश के बाद पंगनो गांव में कई खरों में पानी के साथ साथ मलबा भी घुस गया है। ऊपरी इलाकों में बारिश के बाद मलबा और पत्थर बहकर आ रहे हैं और लोगों के घरों में घुस रहे हैं, जिससे पूरे गांव में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है।
पंगनू गांव में करीब 80 घरों पर बड़ा संकट मंडराने लगा है और भूस्खलन होता है तो बड़ी तबाही हो सकती है। पिछले साल भी यहां तबाही हुई थी जिसकी जद में 50 गांव आ गए थे और अब नए परिवार भी मलबे की चपेट में है। वहीं चमोली के फूलों की घाटी की बात की जाए तो अचानक यहां पर तेज बारिश होने के बाद बरसाती नाले अपने पूरे उफान पर हैं, जिसमें कुछ पर्यटक भी फंस गए। एसडीआरएफ को इसकी खबर दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची और पर्यटकों को सकुशल बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के चलते फूलों की घाटी इलाके में कुछ पुल भी बह गए हैं, साथ ही तेज बारिश से इलाके में अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। और उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड शुरू हो चुका है, जिसके बाद सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। भूस्खलन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद आपदा प्रबंधन सचिव गुरुवार को जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों के साथ जरूरी बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने भूस्खलन के नीचे रहने वाले परिवारों को जल्द हटाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही जल्द सुरक्षात्मक कार्य करवाने की बात भी कही। आपदा सचिव ने बताया कि बारिश ही पत्थरों के नीचे आने की बड़ी आशंका है, साथ ही ट्रीटमेंट के लिए 4 प्लान सामने आए हैं, जिस पर एक्सपर्ट टीम ने सर्वे कराकर भूस्खलन जल्द जोन पर कार्य करवाया जाएगा, जिससे शहर को सुरक्षित किया जा सके। जो भी नीचे लोग रहते हैं उनको हटा लें, वहाँ कोई न रहे, जब तक तो पत्थर वहाँ पे अटके हुए हैं। और प्रोटेक्शन के लिए तत्काल हम लोग कार्रवाई शुरू करने के लिए PSDC को या किसी संस्था को हम आप शासन में बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले जाकर देख के आइए आप कि क्या दिक्कत है, क्या समाधान हो सकता है। तो वो हमने देख लिया है, अब एक एक्सपर्ट एजेंसी लगा के हम लोग उसमें सर्वे कराएंगे कि किस तरह से काम किया जाना है। 3-4 प्लान हमारे पास हैं, उस 3-4 प्लान में कौन सा काम कहाँ पर करना है वो हमें डिसाइड करना है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वरुणावत भूस्खलन के बाद अलर्ट मोड पर हैं और सीएम धामी ने देहरादून में अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है। सचिवालय में सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग की मीटिंग ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस मीटिंग में वरुणावत को लेकर भी निर्देश दिए गए, साथ ही जगहों पर भी जहां पर आपदा आई है उसको लेकर आपदा प्रबंधन को लेकर जरूरी निर्देश दिए। सीएम धामी ने वरुणावत के लिए IIT रुड़की और THDC की मदद लेने के लिए भी उत्तरकाशी के DM को कह दिया है। और चमोली में भारत चीन बॉर्डर को जाने वाली सड़क को डबल लेन बनाने का काम अब शुरू हो चुका है। जोशीमठ नीति मलारी नेशनल हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है। सड़क के डबल लेन बनने से सेना को बॉर्डर तक आने जाने में आसानी होगी। इसके साथ ही नीति घाटी के क्षेत्रों में पर्यटन कारोबार को भी पंख लगेगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए चमोली से नितिन सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अगर इस नीति घाटी की बात की जाए, काफी दुर्गम रास्ता है यहाँ का, और अगर जब ये डबल लेन बन जाएगी तो लोगों को यहाँ आने जाने में भी परेशानी नहीं होगी और सेना के लिए भी ये एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी, ताकि आप बॉर्डर एरिया तक आसानी से सेना पहुंच सकेगी। जी निश्चित रूप से अगर देखें तो केंद्र सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है, जैसे चारों धाम प्रोजेक्ट के तहत जो सड़क डबल लाइन की गई है ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ धाम तक या अन्य चारों धाम क्षेत्रों में, तो उसी तरीके से अब सीमावर्ती इलाकों में भी डबल लाइन सड़क बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और बरसात के बाद इस काम में और तेजी लाएगी ये BRO का कहना है। क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में एक तो सेना के वाहन प्रत्येक दिन आवागमन करते रहते हैं तो उनको भी सुविधाएं मिलेगी, दूसरा अगर नीति घाटी की बात करें तो यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावना है, तो उसको देखते हुए भी सड़क को डबल लाइन बनाया जा रहा है। नीति घाटी में तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पर्यटक साल भर जाते रहते हैं, तो उनको भी कोई असुविधा ना हो इसका भी बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है और इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा अभी सड़क के साथ साथ अब BSNL की सेवाएं भी पूरे नीति घाटी क्षेत्र में लगाई जाएगी, टावर उसके लगाए जाएंगे, ये भी एक योजना तैयार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं
जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार वहाँ पे देखा जा रहा है कि कुछ न कुछ जो प्रोग्राम है वो संचालित किए जा रहे हैं ताकि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें भी रोजगार मिले और जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे पर्यटकों का आवागमन होता रहे। वाइब्रेंट विलेज के तहत कई ऐसी योजनाएं हैं जो सीमावर्ती इलाकों में चल रही हैं, तो आने वाले दिनों में संभावना यह है कि लोगों को वहाँ पे अच्छे रोजगार भी मिलेंगे और घाटियाँ पर्यटक से भी जुड़ेगी। जी बिल्कुल, सड़क बनने के बाद वहाँ पर उसी रोजगार भी मिलेगा, पर्यटन भी वहाँ पर बढ़ेगा और कहीं ना कहीं सेना के लिए भी ये बेहद आसान हो जाएगा यहाँ से निकलना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन। केदारनाथ धाम में घोड़े खच्चर से यात्रा शुरू हो गई और इस बीच केदारनाथ धाम के रास्ते पर पड़ने वाले भीम बली से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक PRDF जवान एक घोड़े वाले से मोलभाव कर रहा है। आरोप के मुताबिक इस रास्ते पर चलने वाले हर घोड़ा मालिक को 500 रुपए सुविधा शुल्क के तौर पर कथित रूप से लिए जाते हैं, इसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि न्यूज 18 इस प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। ट्रैफिक और भारी गाड़ियों की संख्या में हो रहे इजाफे को देखते हुए PWD अब 2 जिलों के सभी पुलों को अपग्रेड करने जा रहा है। पिथौरागढ़ और चंपावत में जहां पर पुल काफी छोटे हैं वहीं कई पुलों की हालत भी खस्ता हाल हो चुकी है। ऐसे में विभाग की कोशिश कई मायनों में लोगों को राहत पहुंचाएगी। पहाड़ों में दशकों पुराने पुलों पर सफर करना कठिन तो है ही, साथ ही खतरनाक भी है। भारी गाड़ियों का बोझ सह रहे इन पुलों में कुछों की हालत इतनी खराब है कि ये भी जमींदोज हो सकते हैं। यही नहीं, पुलों का आकार छोटा होने के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता है, जिसे देखते हुए अब लोक निर्माण विभाग ने पिथौरागढ़ और चंपावत के सभी पुलों को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। 21 पुल तो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत हैं और ये सारे पुल अभी हमने प्रथम फेज में हमारे स्टेट हाईवे जितने हैं उन स्टेट हाईवे के अंतर्गत जो भी पुल पड़ते हैं उन पे लिए गए हैं। अभी इन पुलों को छांटा गया है। 21 पुल हमारे पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत हैं और 11 पुल हमारे जो है चंपावत जनपद के अंतर्गत है। दोनों जिलों में PWD के सभी पुल अभी तक बी क्लास लोडिंग के हैं। ये पुल सिर्फ 16 मीट्रिक टन भार ही सहन कर सकते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में जहां पहाड़ों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ा है वहीं भारी गाड़ियों की आवाजाही भी तेज हुई है, जिससे पुराने पुलों के टूटने की आशंका भी बढ़ी है। ऐसे में विभाग अब सभी पुलों को ए क्लास लोडिंग का बनाने जा रहा है। ए क्लास के पुलों की भार सहने की क्षमता बी क्लास के मुकाबले काफी ज्यादा है। पुल हैं, बहुत से पुल ऐसे हैं कि इसमें बहुत पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं। यदि इन पुलों का अपग्रेडेशन हो जाए तो स्थानीय लोगों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा और जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं उन्हें भी आवागमन के लिए सुविधाएं होंगी। PWD फिलहाल पिथौरागढ़ में 21 और चंपावत में 11 पुलों को ए क्लास लोडिंग का बनाने जा रहा है। पहले चरण में स्टेट हाईवे के पुलों को अपग्रेड किया जाना है। यही नहीं, आबादी क्षेत्र के पुलों में फुटपाथ भी तैयार किया जाना है ताकि स्थानीय लोग सुरक्षा के साथ पुलों में आवाजाही कर सकें। विभाग की ये कोशिश परवान चढ़ती है तो तय है कि लोगों का सफर सुरक्षित तो होगा ही, साथ ही समय की बचत भी होगी। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और देहरादून से खबर लेते हैं जहां पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी का समन मिला है। पाखरू सफारी मामले में हरक सिंह से पूछताछ होगी। सोमवार को देहरादून में ये पूछताछ हो सकती है। हरक सिंह रावत के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा आए हैं और माहरा ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए हो रहा है। माहरा ने कहा कि ये पूरा मामला तब का है जब हरक सिंह बीजेपी में थे। ये सबूत है इस बात का कि देश में किस तरीके से विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है और जो लोग सरकार के खिलाफ मुखर हैं उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का भेजा इस्तेमाल सरकार कर रही है। एक अजीब से प्रकरण में उनको नोटिस मिला है। जब हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वन मंत्री थे उस समय का यह मामला है। और क्या चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, रेंजर, DFO इत्यादि के बिना ही हो सकता था? क्या विभागीय सचिव के बिना ही हो सकता था?
और गढ़वाल में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के प्रयास से पौड़ी के रांसी स्टेडियम के पास बनने वाले तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने रोड की टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल निर्माण के लिए भी टेंडर निकाल दिया है, जो करीब 20 करोड़ की लागत से तैयार होगा। जी, इसमें DPR जो है कंसल्टेंट ने सबमिट कर दी है और DPR जो है 18 करोड़ 73 लाख की है और वो परीक्षण हेतु भेजी है अभी, और जैसी परीक्षण होकर आती है इसमें तुरंत जो है निविदा आमंत्रित कर दी जाएगी। और अप्रोच रोड की हमने निविदा आमंत्रित कर ली है और जितनी भी सैद्धांतिक शर्तें मिली थी इसमें वन भूमि में वो सभी हमने कंप्लायंस कर दी है उसकी, और पेड़ों के पातन के लिए अनुरोध किया। रुड़की के माधोपुर गांव में हुए प्रकरण के बाद से लगातार राजनीति हो रही है। गुरुवार को कांग्रेस के कई बड़े नेता मृतक के गांव सोहलपुर पहुंचे, जिसमें सांसद इमरान मसूद, हरीश रावत, करण महारा और यशपाल आर्य पहुंचे। मृतक के परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने शख्स की हत्या का आरोप लगाया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि वसीम की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। और हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये मामला हत्या का है। हमने वो चोटें दिखाई जो उसकी आंख में लगी है, जो उसके चेहरे पर लगी है, जो उसके मुंह पर लगी है। सबने देखा है, उसके वीडियोज़ हैं कि पुलिस खड़ी है और वो कूदा है, तो पुलिस ने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी? अगर सुसाइड भी होता तो भी बचाया जाता है, किसी अपराधी को भी सुसाइड नहीं करने दिया जाता। मोनू तो मल्टीटास्किंग व्यक्ति था, रिकवर हुई और उसको मारा गया बच्चे को। ये सीधे सीधे कत्ल है। पुलिस अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए नई नई कहानियां गढ़ने का काम कर रही है। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इनके साथ खड़ी हुई है। और हल्द्वानी से खबर लेते हैं, जहां पर 20 सड़क पर लड़कियों को छेड़ना, रास्ता रोकने और धमकियां देने वाले 5 लड़कों की जमानत हो गई है। हैरानी की बात यह है कि कोतवाली से ही 41 का नोटिस देकर जमानत हो गई और गंभीर अपराध होने के बाद भी मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचा। माना जा रहा है कि रसूख के चलते इन लड़कों की ये जमानत हुई है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। कार सवार लड़कों का हुड़दंग और लड़कियों का पीछा करते हुए वीडियो वायरल हुआ था और संगीन मामला होने के बाद भी पुलिस ने कोतवाली से ही जमानत दे दी। इसके बाद हल्द्वानी पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे। हरिद्वार से खबर लेते हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन के बाहर ई रिक्शा चालकों की गुंडाई देखने को मिली। यात्रियों से किराए को लेकर कहासुनी हुई और इसके बाद ई रिक्शा चालकों ने यात्रियों की पिटाई कर दी। ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर उतरे यात्रियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग लात, घूसों और डंडों से यात्रियों को पीटते नजर आए। यात्रियों के साथ हुई मारपीट के बाद हरकत में आई पुलिस ने 3 ई रिक्शा चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर बेतरतीब ढंग से ई रिक्शाओं का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ अक्सर यात्रियों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं। रामनगर के पुंछड़ी में वन विभाग ने सैकड़ों लोगों को जमीन खाली कर वहां से हटने के नोटिस दे दिए हैं। ऐसे में इन ग्रामीणों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि उनकी घरों का अब वैध माना जाए, जिसके लिए गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के एक्टिविस्ट शामिल हुए। उन्होंने बुलडोजर कल्चर की निंदा करते हुए सालों से रह रहे लोगों के घरों को नहीं उजाड़ने की बात कही। हमारी मांग है कि ये बुलडोजर राज को रोकें और जो जहां पर है उसको वहां पर मालिकाना हक मिले, उसका नियमितीकरण हो, उसको मूलभूत सुविधाएं हो। उत्तरकाशी में चिलियानी सोड़ के भल्ड गांव के ग्रामीण टिहरी झील के किनारे धरने पर बैठे हैं। लोग टिहरी झील की वजह से खतरे में आए गांव के पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द गांव का पुनर्वास नहीं किया गया तो सभी लोग जल्द समाधि ले लेंगे। पुनर्वास और विस्थापन की मांग को लेकर सभी ग्रामीण धरने पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर। और जब तक सभी ग्रामीणों का यह कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ पे धरना नहीं समाप्त करेंगे। और इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में ग्रामीण है और जब तक एक ही मांग है कि हमारा विस्थापन किया जाए।